इंडियन की चाय बनाने का टेक्निक है। इस वाले पे ये बॉइल्ड एग्स हैं, चलें मैं ये अपना सीरियल ख़त्म करता हूँ, आप भी कोशिश करें बनाएं अपने लिए सीरियल। तब तक फतूश और समथिंग, ये भी चीज़ है कोई अरबी स्टाइल, पैनकेक्स और वाफल्स वगैरह पड़े हैं, पैनकेक्स एंड वाफल्स, पाइनएप्पल पड़ा हुआ है, कुछ बेरीज पड़ी हुई हैं, सेंट रेजिस में नाश्ता करने आया हूँ। तो मैंने कहा कि नाश्ते से पहले आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू कराऊँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ब्रेकफास्ट बुफे होता है, तो मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि नहीं छोड़ो यार नाश्ता करो अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखते हैं कितना अच्छा लगता है किसी को, विल नो वीडियो बनाना अलाउड है या नहीं, लेट्स सी। ये डिटॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें स्ट्रॉबेरी ऑरेंज और इस वाले में क्यूकम्बर मिंट लीव्स डाला हुआ। यहाँ पे ये वेजिटेबल्स को जूस करके देते हैं, और ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं, आप वैसे उठा के खा लें या जूस में डलवा लें। पाइनएप्पल पड़ा हुआ है, कुछ बेरीज पड़ी हुई हैं, ये इनकी चाय बनाने का टेक्निक है, स्टीम वाटर। ये कच्ची मछली है और इससे कोई सुशी की तरह की चीज़ बना के खाते हैं, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। ये जो हरे पत्ते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से तोड़ के डाल सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप क्रैकर्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। ये आ गया जी चीज पनीर का सेक्शन, ये प्रोसेस मीट है मुख्तलिफ, मुझे नहीं अच्छा लगता बहुत। ये जनाब सैलड बार है,
मुख्तलिफ ग्रीन पत्तों वाली चीज़ें हैं, जैसे रॉकेट वगैरह पड़ा हुआ है, हुमस, इस वाले को पता नहीं क्या कहते हैं, हुमस के साथ जो है फतूश और समथिंग, ये भी चीज़ है कोई अरबी स्टाइल। और ये टमाटर पड़े हुए हैं, ये भी टमाटर, ये वाली जो साइड है यहाँ पे, ये रेसिपीज मिल रही हैं इस वाले, टर्की बेकन, चिकन सॉसेज, व्हील बेकन, बेकन और सॉसेज बेकन पड़ा हुआ, ये बेक पोटैटो लग रहे हैं, ये मुझे पोरेज लग रहा है, ये बींस है, इस वाले पे ये बॉइल्ड एग्स हैं और साथ कुछ रोल्स हैं, हैश ब्राउन्स, different types of mustard, mayo, यहाँ पे आपके ऑमलेट्स बन रहे हैं, एलिगेंट ऑमलेट्स, ये इनकी रेसिपी होने वाली चीज़ें, ये वाली जो साइड है इसमें पैनकेक्स और वाफल्स वगैरह पड़े हैं, पैनकेक्स एंड वाफल्स, और ये पराठा है, पता नहीं क्या है ये, उस तरफ चने भी पड़े हैं, ये वाफल्स के साथ खाने वाली चीज़ें, जैसे ये मेपल, मेपल सिरप है, ये न्यूट्रेला, तो अब एक आइटम रह गया है, यहाँ पे हम टोस्ट कर रहे हैं, ये मल्टीग्रेन ब्रेड, ये मुख्तलिफ अरबी ब्रेड हैं, क्रोसान, एक और क्रोसान, ये बटर मुझे बड़ा पसंद है, ये ब्रेड भी मैं खाता हूँ, ये कुछ स्लाइसेस पड़ी हुई हैं, ये अभी ताज़ी ताज़ी पक के आई है, इसमें कटना है, ये आवाम बैठी हुई है खा रही है, हाँ जी, तो मैंने आपको टूर दिया कि यहाँ पे बफे में ब्रेकफास्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, और साथ मेरा ऑडिट भी हो गया, तो अब मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या लेना है, तो जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट प्लेट बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, स्टे ट्यून्ड। जी, तो मैं अपने नाश्ते के टेबल पे आ गया, मैंने टेरेस में टेबल करवाया है 183, और टेरेस में बड़ा अच्छा व्यू है, स्मोकिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है,
यानी आउटडोर है, बाहर की हवा की लगा, ये लोग बैठे हैं। अगर मैं आपको इस तरफ का व्यू दिखाऊं, सामने फिनाल नज़र आ रहे हैं, थोड़ी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ भी आ रही है, दुबई में ये चलता रहना। तो आपको दिखाते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ। जी तो मेरा ब्रेकफास्ट पूरा हो गया, अब आप दोबारा से दिखाता हूँ। मैंने कुछ फ्रूट्स पिक किए हैं, ये मेरा डिटॉक्स जूस है, एप्पल, लेमन, कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें। ये मेरा सीरियल है, इसमें मैंने सीक्वेंस डाले हैं, कुछ बेरीज पड़ी हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसे आता है। ये मेरा योगर्ट है और ये मेरा ठंडा दूध है। ये कुछ स्वीटनर्स हैं, हनी है इसमें, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो जी शुरू करते हैं। ठंडे दूध के साथ इसका वो टेस्ट नहीं आ रहा, इसमें जो ओट्स हैं ऑयल्ड हैं, तो वो ठंडे दूध में वो टेस्ट नहीं निकल रहा, जो गर्म दूध में खुलता है टेस्ट। तो दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीरियल में ये पता नहीं मोस्टली है या कोई और चीज़ है, लेकिन इज वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ ऑयल दैट and fold when you pour hot milk. Vegans की वजह से इसकी satiety बढ़ जाती है, तो आप को अगर heavy नाश्ता करना है तो dry fruits, आप जो nuts के हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं आप अपने cereal में। चलें मैं ये अपना सीरियल ख़त्म करता हूँ, आप भी कोशिश करें बनाएं अपने लिए सीरियल। तब तक एक चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुई है इस सीरियल में कि इसमें इन्होंने जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाले हैं, और उन सीड्स को जब आप च्यू करते हैं तो उनका ऑयल निकलता है, सेसमी सीड की तरह का उनका टेस्ट आता है। तो इट्स नॉट दैट द ओट्स आर डिप्ड इन ऑयल, आई वाज रॉन्ग, ओट्स के साइड पे सीड्स बहुत ज़्यादा हैं और वो बेक्ड सीड्स हैं, और वो जब आप चबाते हैं तो आपको ऑयल की फीलिंग आती है, और वो सीड्स गर्म दूध में ज़रा अच्छा टेस्ट दे रहे थे मुझे परसों, आज ठंडे दूध में डाले हैं तो इतना ज़्यादा उनका टेस्ट खुल नहीं रहा। तो दैट्स द एक्चुअल थिंग दैट इज हैपनिंग। सो आई मैंने कहा कहीं आपको मिस ना हो जाए इन्फॉर्मेशन, सारी ही दे दूँ। हाँ जी, अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना योगर्ट, और योगर्ट इस कंपनी का आप देख लें,
ऊपर एल्युमिनियम फॉयल है, वो एक हाथ से मेरा ख्याल है उतार ही दूंगा मैं। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो उनको लगता है कि जी लोग क्या कहेंगे, वीडियो बना रहे हो, दूसरे लोग खाना खा रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हो, लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, दे डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम टू थिंक अबाउट यू। आपको अगर बनानी है वीडियो और हमारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, to do make videos and share it with us on Facebook and other social medias। अच्छा जी, अच्छा ऊपर तकरीबन नॉर्मल योगर्ट ही होता है इसमें, थोड़ा सा फ्रूट का टेस्ट आ रहा होता है, ये जो यहाँ से कलर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इंटेंस नहीं होता, ऊपर नॉर्मल योगर्ट होता है, नीचे जाके यहाँ पे जो है इसमें फ्रूट होता है। लेकिन मेरा अपना टेस्ट ऐसा है कि बेरीज का कंटेंट अब जब ज्यादा हो गया है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ब्लांड टेस्ट होता दही का वो ज़्यादा ठीक लग रहा था मुझे, तो मुझे चाहिए ये था कि इसको पहले मिक्स करना, अभी ये ज़्यादा रिच हो गया। ट्रैवल करता हूँ या किसी एडवेंचर पे जाता हूँ तो आई डॉक्यूमेंट अलॉट, दैट गिव्स मी द एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन व्हेन आई वॉच इट। पहले लोगों में टॉलरेंस भी नहीं थी, बंदा वीडियो बना रहे हैं और आप उसमें थोड़े से आ गए हैं, माइंड नहीं करते जी। तो मैं अपने लिए लाया हूँ फूल मदम्मस, ये लोबिया की तरह का एक सूप होता है, सालन सूप समझ लें, ये कुछ चीज़ हैं, हुमस है, मशरूम्स हैं और हलाल बेकन। दूसरी तरफ मेरा चीज़ ऑमलेट है, मैंने उन्हें कहा था रनी बनाए अंदर से, अभी देखते हैं कितना रनी है। वैसे रनी बनाते नहीं है ये लोग, आप जब उसे खाते हैं तो अंदर से सख्ती हो गया होता है। साथ ही मैंने कहा कि एक स्लाइस और बटर ले लिया मैंने ब्रेड का, और वाफल ले लिया मैंने, उसके ऊपर मैंने मेपल सिरप डाल दिया। टेबल मेरा चेंज हो गया, लाइटिंग से आपको पता चल रहा होगा, वो जो टेबल था वो सामने जो अंकल बैठे हैं उनको पसंद आ गया। चलिए जी, इन चीज़ों को ट्राई करते हैं। नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया आज, लेकिन आज मैंने कहा वीडियो बना लूँ, तो वीडियो की वजह से मुझे बहुत सारा खाना भी पड़ रहा है। सो ऑल गुड। सबसे पहले मैं ऑमलेट ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल भी रनी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा सा मरम है, लेकिन इसको मैं रन ही नहीं करता, ये देख कितना सॉलिड है। सेंट रेजिस का खाना अच्छा है,
लेकिन सिर्फ उस रेसिपीज जो उनकी रन ऑफ द मिल है, अगर आप कस्टमाइज करके कुछ बनवाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा समझ शायद नहीं आती। लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी है। अब जी नंबर है फुल मुदम्मस, इसके ऊपर कोई चीज़ और कुछ इनकी स्पाइसेस हैं जो मैंने डाली हैं, और ये इनका कॉपर का बोल देखें जो ट्रेडिशनल अरब यूटेंसिल्स हैं अरेबिक। साथ मैंने कुछ हुमस और दूसरी सॉसेस रखी हैं साइड पे, और बेकन है मेरे पास, तो इसको ट्राई करते हैं। लोबिया के करीब टेस्ट है इसका, लेकिन यूनिक।